हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हसीब और अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। घर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी मवाद ईंट होती है, और ईंट किस तरह बनती है ये आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक करना। तो चलते हैं प्रोसेस की तरफ। ईंटें तैयार करने के लिए जो जो मवाद हमें चाहिए होता है उसमें सबसे पहले पानी और मिट्टी, इन दो चीज़ों से ईंटें तैयार होती हैं। तो तैयार कैसे होती हैं? सबसे पहले कच्ची ईंट होती है। कच्ची ईंट बनाने के लिए आप ये चिकनी मिट्टी होती है उसमें पानी ऐड करते हैं, उसे गूंदते हैं जिस तरह हम आटा गूंदते हैं। उनको गूंदने के बाद इतने इतने से वो थैले से होते हैं उनके ऊपर डालकर उसको यहाँ पर इस जगह पर ले आते हैं। जब मिट्टी को और पानी को गूंद लिया जाता है अच्छे तरीके से, मिट्टी तैयार हो जाती है ईंटों को बनाने के लिए एक मुनासिब तरीके से तैयार हो जाती है, तो ये लोग फिर इस तरह ईंटें बनाते हैं। और बनाते एक फ्रेम होता है मुकम्मल तौर पर शेप का, अलग शेप का, उसमें ये मिट्टी को एक मुनासिब मकदार में भरते हैं। भरने के बाद नीचे रेत लगाते हैं। जिस तरह अभी बारिश हुई है तो बारिश की वजह से काफ़ी हद तक इनका नुकसान हो गया। कच्ची ईंटें बनाई थी तो वो काफ़ी ज़्यादा टूट भी चुकी हैं, इसमें ना आप लोग देख रहे होंगे। अभी बारिश की वजह से काम बंद था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लेडीज़ काम करती हैं तो इस वजह से हम आज वीडियो बनाने आए हैं ताकि कोई भी किसी भी किस्म की बात या कोई भी किसी भी किस्म का मामला ना हो। तो यहाँ पर ईंटें बनती इस तरीके से हैं कि फ्रेम में मिट्टी को भरते हैं और ऊपर से लकड़ी के साथ या किसी चीज़ के साथ उसको दबाते हैं ताकि ये नीचे से बराबर हो जाए और जो इनका लोगो है, डिज़ाइन है, वो तैयार हो जाए। फिर ईंट को नीचे रेत डालते हैं ज़मीन पर हल्की सी, और रेत डाल के उसके ऊपर ये ईंट रख देते हैं। और जब ईंट खुश्क हो जाती है इस हद तक कि इसको भट्टी में जलाया जाए, तो फिर ईंट को इस तरह लाइनों में लगा देते हैं। ये आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लाइनें लगी हुई हैं, तो लाइनें लगा देते हैं। लाइनों के बाद ये जो है गधा रेडी पर इसको लगाते हैं, लादते हैं, और लादने के बाद इनको ले चलते हैं ईंटों वाली भट्टी की तरफ। तो हम भी वहीं पर चलते हैं। और बारिश की वजह से अभी काम तो बंद हुआ है, लेकिन आपको सभी के सब तरीके दिखाएंगे कि किस तरह ये बनती हैं और कैसे कैसे ये काम मुकम्मल होता है। चलते हैं। जिस जगह पर ईंटों को पकाया जाता है वो जगह कैसे तैयार हो, वो जगह कैसी है, वो भी आपके साथ अभी मैं शेयर करता हूँ। ये जो आप इस तरह देख रहे हैं गलियाँ सी बनी हुई हैं एक मुकम्मल बाज़ार की शेप का, इसमें कच्ची ईंटों को लगा दिया जाता है एक तरतीब के साथ, और उसके बाद इनके ऊपर जिस तरह ये मिट्टी डाली हुई है ये मिट्टी लगा देते हैं ताकि हीट अंदर ही रहे। और इस तरफ ये बड़ी सी भट्टी है जिसके ऊपर ये एक होल बनाया हुआ है, काफ़ी बड़ा होल बनाया हुआ है काफ़ी बड़ा, और इस होल के ज़रिए ये सारी की सारी ईंटें पकाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं। गलियों से हम जब गलियों में कूड़ा फेंकते हैं और गलियों से कूड़ा उठाने वाले जो रिक्शे भर भर कर लाते हैं, और उसके अलावा गंदम की जब फसल की कटाई होती है तो उसके बाद जो तूड़ी होती है गंदम की, उस तूड़ी को लाकर ये भट्टे वाले ख़रीद लेते हैं। ज़्यादा जानवरों वाले इस्तेमाल करते हैं और भट्टे वाले ख़रीद लेते हैं। ख़रीदने के बाद इस तूड़ी को जो है ये जलाते हैं और हीट देते हैं ताकि हीट की वजह से ईंटें पकती हैं, और ईंटें पकने के बाद एक आला क्वालिटी की ईंट तैयार होती है। और इस आला क्वालिटी की ईंट को तैयार करने में बहुत से मज़दूरों की मेहनत होती है। ठीक है, तो ईंटों की जो कीमत है वो बखूबी आप लोग जानते होंगे। हर शहर में गिनती से भी ज़्यादा भट्टे अब तो बन चुके हैं माशरे में। जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा ईंटों की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से इसी हिसाब से ईंटों की मांग बढ़ रही है कि जगह जगह पर जो है भट्टे अभी लगाए जा रहे हैं। और ये भी नया बना है, और ये जो जगह है यहाँ पर हवा लगाई जाती है। ये जो आप बड़ा सा फ़ैन देख रहे हैं इसकी मदद से हवा को
इसके अंदर पहुंचाया जाता है ताकि इस चीज़ के अंदर ताकि ऊपर से धुआं निकलता रहे और जो हीट है वो नीचे रहे। और ये यहाँ पर इसको चलाने के लिए मशीन है, मोटर यूज़ की जाती है। उसके अलावा ये बाकी के हालात से आप जी। तो दोस्तों, मैंने आज अपनी इस वीडियो में आपको मुकम्मल प्रोसेस दिखाया कि किस तरह ईंटें तैयार होती हैं, एक मिट्टी से और पानी, एक मिट्टी और पानी को किस तरह मिक्स किया जाता है और ईंटें किस तरह तैयार होती हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मेरी वीडियो को लाइक करना। तो और जाने से पहले, ये मिसाक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल है बिलाल भाई का, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इनकी वीडियोस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट के हवाले से होती हैं इनकी वीडियोस, ज़्यादा ये व्लॉगिंग की तरफ हैं। ठीक है, तो इनके व्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे और बिलाल के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में नए अंदाज के साथ किसी नए टॉपिक पर। खुदा हाफिज़।